अभी कुछ टाइम में वैलेंटाइन डे आएगा, वैलेंटाइन वीक आएगा, तो जो लोग साथ में जिनका रिलेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है वो लोग प्लान करें कि वैलेंटाइन डे को, वैलेंटाइन वीक को कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, ओके। लेकिन जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरी मेथड को फॉलो करें अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए, तो जो वो लोग फॉलो करें इन मेथड को, तो उनके मन में ऐसे डाउट क्रिएट होते हैं कि इस वैलेंटाइन डे में मेरे लिए क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने एक्स पार्टनर को, एक्स गर्लफ्रेंड को या अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को, ठीक है, उन्हें वैलेंटाइन डे का मैसेज करना चाहिए, विश करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। उनका ये सोचना, उनका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके मन में ये क्वेश्चन होना ही चाहिए कि अगर आप कुछ करते हो, विश करते हो या नहीं करते हो, उनका मतलब बनता है आपके लिए भी और आपके एक्स पार्टनर के लिए भी। ज़्यादातर लोगों को इस वैलेंटाइन डे पे अपने एक्स पार्टनर को विश नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को ही विश करना चाहिए, और उन लोगों को तभी विश करना चाहिए अगर जो मैं आगे बताऊंगा उन टर्म और कंडीशन में वो लोग आते हैं, उनके रिलेशन वो सिचुएशन पे है, तो ही वो लोग कर सकते हैं। जिन लोगों को मैंने मना किया कि वो लोग ज़्यादातर ना करें, उनको क्यों नहीं करना चाहिए, पहले हम उनकी बात करते हैं, बाद में हम कहेंगे कि क्यों करना चाहिए, इनके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो गए। मान लो कि आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, आप कुछ फॉलो कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग से मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि एक्स बैक के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में नो कॉन्टेक्ट रूल के बाद अलग अलग चीज़ होती है, लाइफ में एक्टिव होना है, ठीक है, शो ऑफ करना है, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी कंडीशन पे हो तो तुम्हें उनको विश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुमने वैलेंटाइन डे पे विश किया, इट मीन्स कि आपका पार्टनर आपके बारे में ये सोचेगा कि आज भी आप उनके याद करते हो, इट मीन्स कि वो ये समझेगा कि आपके लिए आज भी वो पर्सन आपका वैलेंटाइन ही है, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट, जब वो रिलेशन में था तभी देते। एक चीज़ याद रखो कि जब हम एक्स पार्टनर को वापस से अट्रैक्ट करने की बात करते हैं, तब हम ये चीज़ों को प्रूव कर पाए, उनके माइंड में हमारी ये आइडेंटिटी बना पाए कि भाई तेरे छोड़ने के बाद मेरी लाइफ तुझसे भी बेटर है, या जब मेरी लाइफ थी आज उससे बेटर है, ठीक है, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बेटर बना हूँ, तुझसे भी स्मार्ट या अच्छा हूँ, तभी लोग आपसे अट्रैक्ट होते, ठीक है। आप अभी भी उनको ये दिखा रहे हो, अभी भी ये दिखा रहे हो कि तू मेरे लिए वही है जब मैं तेरे लिए रोता था या तब मैं तेरे, तो उनका क्या यहाँ पे ईगो बढ़ेगा। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि जो भी तुमने कुछ मेहनत की, अगर तुमने थोड़ी ज़्यादा भी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की, थोड़ी ज़्यादा भी मेहनत करके तुम चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सही कर पाए, तो ये चीज़ करके तुम सारी चीज़ों पे पानी फेरने वाले हो। तो अभी तुम्हारे एक्स के साथ बात नहीं हो रही या वो अभी भी बात करना नहीं चाहता, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें उन्हें वैलेंटाइन डे विश नहीं करना चाहिए। इससे उनको ऐसा ही लगेगा कि आज भी आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और इनसे इनका ईगो बहुत बढ़ेगा। अभी काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि चलो मान लिया कि हमें तो नहीं करना है, लेकिन सिचुएशन ये भी होती है कि कहीं लोग है ना अभी भी उनके साथ ब्रेकअप के बाद भी करने को होते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली एक्स बैक के लिए जो मेथड होती है उनको ही फॉलो करना चाहिए, इसके लिए आप मेरे एक्स बैक वीडियो सीरीज देख सकते हो। लेकिन मान लो कि बात कर रहे हैं, चलो ये गलती आप कर ही रहे, अगर आपका पार्टनर बात नहीं भी कर रहा है और वो सामने से आपको विश करता है, ठीक है, वो आपको वैलेंटाइन डे वीक कुछ भी विश करता है, तो क्या आपको रिप्लाई करना है? हाँ, तब आपको करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ी डील नहीं, तो इसमें कोई चीज़ नहीं। लेकिन सामने से बातचीत कुछ नहीं हो रही है, ब्रेकअप है, आप कुछ फॉलो करें और अचानक से धड़ाक से आप सारी मेहनत पर पानी ना फेरिए ऐसे उनको विश करके, उनको यही लगना चाहिए कि इस पीरियड में आप वैसा कुछ नहीं सोच रहे हो कि वो आपका वैलेंटाइन है, नथिंग। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी डाउट होगा यार मैं नहीं करूँगा तो वो क्या सोचेगा, ठीक है, वो ये मान लेगा कि मुझे तो कुछ पड़ी नहीं। एग्जैक्टली, जब तुमने इतना सब कुछ शो किया कि तुम्हें कितनी पड़ी है, तुमने क्या उगा लिया, कुछ नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली, लोग ऐसे नहीं झुकते, वो सही तरह से नहीं समझते, इसलिए हमें टेढ़ा मेढ़ा होकर उनको समझाना पड़ता है। और बात करते कि कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने एक्स बैक की कोई भी मेथड को फॉलो किया और वापस से आप रिकनेक्ट करने लगे हो, थोड़ी थोड़ी उनके साथ बातें हो रही है, चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में लग रही है, पर जो एक्स पार्टनर है वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, ऐसी ही सिचुएशन में आपको अपने एक्स पार्टनर को विश करना चाहिए। अगर आपकी ये कंडीशन है, सिचुएशन, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब मुझे कॉमेंट में बताना कि कितने सारे ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी अपने एक्स को वैलेंटाइन विश करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, वो कमेंट जरूर करें ताकि मुझको भी पता चले कि क्या चीज़ें वहाँ पे मामले चल रहे हैं, ताकि आगे मुझे कैसे वीडियोस बनाने,
वो समझे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी चीज़ें आपके मन में और आप कहना चाहते हो कमेंट में लिख सकते हैं। रिलेशन के बारे में, लव के बारे में जो कुछ भी अगर आप सीखना या जानना चाहते हो, यहाँ से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वीडियो से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा या आप कंफ्यूज हो रहे, तो डायरेक्टली आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करने की लिंक भी नीचे, मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिंक भी है। मेरे और भी मोटिवेशनल चैनल है, उनके वीडियोज़ देखना चाहते हो या सारे ऐसे यूजफुल लिंक के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच।